कई बार किसी की कही कोई बात हमें चुभती है, दर्द देती है, लेकिन मजा तो तब है जब हम उसी दर्द को दवा बना लें और उसी चुभन को अपनी ताकत। शालिनी ने यही किया। बस कंडक्टर की बेटी शालिनी ने एक अनजान शख्स की कही एक बात को ऐसा दिल से लगाया कि उस बात के सहारे 2011 में यूपीएससी का इम्तिहान पास कर लिया। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइव में आपका। सो मच, थैंक यू सो मच। पता है, अपने दिल की एक बात बताती हूँ, यूनिफॉर्म में लड़कियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो शायद बचपन का कोई सपना मेरा जो पूरा नहीं हुआ होगा, तो इट्स सच अ प्लेजर सीइंग यंग गर्ल्स इन यूनिफॉर्म। एक बात बताइए सबसे पहले, वो कौन सी बात थी, किसने कही थी जो इतना चुभ गई कि आज आप IPS ऑफिसर हैं? एक बार हम लोग बस से ही ट्रेवल कर रहे थे, माय फादर वाज ऑन जॉब इन दैट बस। उसी बस में? एब्सोल्युटली। तो वन मैन स्टैंडिंग, आई डोंट नो, हमें किसी को भी पता नहीं था वो कौन है। उन्होंने अपना जो हाथ है वो जहाँ मेरी मदर बैठे थे उस सीट के पीछे फॉर सपोर्ट उन्होंने पकड़ा था। तो मेरी मदर ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप काइंडली इस हाथ को यहाँ से निकाल के आप जो बार है उसको पकड़ लीजिए। तो एक दो बार इस तरह के इंसिडेंट्स पे वेरी रूडली ही सेड कि आप क्या DC लगी हुई हैं कि मैं आपकी बात सुन के आपकी बात मान जाऊँ। तो एज अ किड आई फेल्ट कि ये DC क्या होता है, ये DC कौन होता है, इसकी बात हु इज द DC जिसकी बात सब मानते हैं। मतलब आई थिंक 10th के आसपास मुझे एक्चुअली थोड़ा सा क्लियर हुआ कि DC SP जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के मेन लिंक्स हैं गवर्नमेंट के। वैसे हमें पता चला कि बचपन से आप काफ़ी टॉम बॉयज थी, लड़कों की तरह हरकतें करती थी, कुछ सुनवाते हैं आपको? तू कंचे खेलती थी लड़कों के साथ जब गली में, तो मैं तेरे को मना करती थी, कंचे नहीं खेलती लड़कियां। तो तू बोलती थी नहीं मम्मा खेलते हैं। तो क्या हुआ, मैं भी लड़का हूँ, बड़ी होके लड़का बनेगी, ये लड़कों वाले काम करती है, ऐसे बोलते थे लोग हमें। फिर आवाजें लगाते थे वो रितु की मम्मी वगैरह, देखो आपका लड़का कैसे खेल रहा है जंगल में। ये बहुत ही मेरी मदर ने बहुत सही पॉइंट किया है कि मैंने वो सारी गेम्स खेली हैं जो लड़कियों के लिए ट्रेडिशनली मना है, जैसे गुल्ली डंडा है, कंचे हैं, कंचे वो बॉल्स लोकल गेम होती है, उसके अलावा पिट्ठू बोलते हैं एक, वो आप स्टोन्स की उसको हिट करके आप भागना है। क्रिकेट खेला है मैंने, उस पूरी दो टीम्स में एक मैं ही लड़की होती थी। तो आपने अपनी माँ को स्ट्रगल करते देखा है, आपको पढ़ाने के लिए, परिवार को साथ रख कर कि बच्चे आगे बढ़ें, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप अपनी मदर के बारे में? एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने जो भी घर पे रह के जितना भी स्टडीज़ की तरफ या एज अ पर्सनैलिटी ग्रो किया है उसमें मदर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। उनकी सोच ऐसी थी कि आप पढ़ाई के साथ और चीज़ें भी आपकी डेवलप होनी चाहिए। अच्छा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि जब मैं 7th-8th क्लास में थी, मुझे वो बैंक में पैसे डिपॉजिट करने भेज देते थे अकेले, एक दो बार मेरे साथ गए होंगे। तो उनका आइडिया ये था कि आप बाहर जाओगे उसी तरह से आप सीखोगे, उसी तरह से आप में कॉन्फिडेंस आएगा। शालिनी, मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियां बहुत आगे बढ़ती हैं, माँ का तो रोल होता ही है अपने बच्चों की ज़िंदगी में, स्पेशली फॉर गर्ल्स आई वुड से फादर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि कई बार लोगों के घरों में जब सुनते हैं कि पिता ने फैसला कर लिया कि नहीं आगे और नहीं पढ़ना है, शादी करनी है, तो आप कितना रेजिस्ट कर लोगे? आप आज जहाँ हैं उसमें अपने फादर की कितनी भूमिका आप मानती हैं? फादर की भूमिका कह सकते हैं कि हमारा जो जैसे स्पाइन होती है बॉडी में, उस तरह फादर है, तो उसका इससे अच्छा मैं कोई तुलना मेरे दिमाग में आ नहीं पा रही है। बहुत बड़ी बात। बट मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर मैंने उनसे कभी कहा हो कि मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए 10 रुपये चाहिए, तो उन्होंने ट्राई किया होगा कि मुझे 15 दें, कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में, चाहे वो अपने लेवल पे कितना भी, उनको बहुत सारी अपनी इच्छाएं या बहुत सारे उनके ड्रीम्स रहे होंगे, वो उन्होंने बिल्कुल साइड ट्रैक करके स्पेशली हमारे पढ़ने के लिए और एक्सपोजर के लिए कभी भी किसी भी तरह का मतलब ना उनके मुंह से हमने सुना नहीं। क्या बात। शालिनी, आपसे कोई मिलने आया? रमेश जी, अगर मैं आपसे पूछूं, पूछो, एक बस कंडक्टर कभी सोच सकता था कि बेटी एक दिन IPS ऑफिसर बनेगी? नहीं, सोचा तो पहले कभी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इनके बारे में मालूम पड़ता चला कि ये भी कुछ जॉब है, ये ऐसा है कुछ है,
एक बार की बात है, हम जब ये 10th पास की इस बेटी ने तो इसके 98% नंबर आए 10th में, तो इसको पालमपुर में है CSIR, वहाँ पे इनको इनवाइट किया, तो वहाँ पे सभी बच्चों ने वहाँ डिबेट किया, तो जब भाषण की प्रतियोगिता आई तब बेटी सब ने, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं वो वैज्ञानिक बनूंगा, लेकिन जब मेरी बेटी की पार्टी आई तो इसने कह दिया मैं IPS बनूंगी या IAS पास करूंगी। तो फिर जब जे इसने जे कर लिया अपना क्लियर कर लिया सब कुछ, IPS बन गई, तो फिर हमारे को बहुत खुशी हुई भी मेरे साथ वायदा किया था वो पूरा कर लिया बेटी ने। क्या बात है। समीर जी, इनकी ग्रेजुएशन के दौरान ये होने लगा था कि अब शादी कर दो लड़की की, रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी? बिल्कुल, गांव में जाना तो उन्होंने कह देना आप बेटियों को बाहर पढ़ा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तो उनकी बातें भी सुन लेना, नहीं जवाब देना कोई भी, हाँ ठीक है कर देंगे। तो फिर लेकिन बच्चों को बोलना आप पढ़ो। क्या बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात ये है कि कभी भी मैंने ये नहीं समझा भी बेटी है या बेटा है। ग्रेजुएशन करते करते फिर ये सोच लिया था UPSC की तैयारी करनी है? नहीं, ग्रेजुएशन जब मैंने ग्रेजुएशन ज्वाइन की तो पेरेंट्स का भी आइडिया यही था, मेरा भी यही था कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ बहुत ही एकांत सी जगह है, तो मुझे फिर से पढ़ के इंजीनियरिंग और मेडिकल के ही एग्ज़ाम्स देने हैं। अच्छा, तो वहाँ जाके फिर मैंने सीरियसली जब अपने आप को सोचा तो वही बैक ऑफ द माइंड हमेशा से था कि UPSC क्या होता है, DC क्या होता है, वो बचपन की बात गई नहीं, फिर से ध्यान में आई। और फिर मैंने अपना टाइम जितना वैसे दोस्तों के साथ निकलता था एक्स्ट्रा टाइम सारा इसी सर्च में मैंने लगा दिया कि ये UPSC क्या होता है, तो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, जहाँ से भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती थी इसके बारे में मैंने कलेक्ट करने स्टार्ट कर दी। इन घर वालों को क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप जब इतना मुश्किल एक इम्तहान देते हो, हम सबको एक बहुत यू नो मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि कोई हिम्मत दे दे। घर में मतलब लोगों के तो इतने नखरे होते हैं, कोचिंग भी ले रहे होते हैं लोग, आपने एकदम सबको अकेले जो स्ट्रेस है वो भी अकेले हैंडल किया? वो डर यही था कि बट अगर मैं फेल होगी तो फिर क्या होगा, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन फैक्टर लग गया, इनके मन में एक्सपेक्टेशन आ जाएंगी, ये सोचेंगे कि होना चाहिए और इतना आसान है नहीं, ये होगा नहीं, तो मुझे लगता था कि इनको बहुत बुरा लगेगा पेरेंट्स को। रमेश जी, आपको वो मोमेंट याद है जब इसने बताया? पहले तो घर में फोन किया होगा, फिर मेरे को फोन कर दिया, तो मेरे मन में इतनी खुशी हुई भी मैं क्या बता सकता हूँ। देखो ऊपर से सरप्राइज दिया हमारे को, तो हम तो फिर वैसे रह गए जैसे। आज बहुत फख्र होता है ना बिटिया के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बच्चे कुछ करें तो पेरेंट्स को इससे ज़्यादा और क्या है। और हमने सोचा था भी हम तो जैसे तैसे कुछ पढ़े या नहीं पढ़े, जॉब मिलेगी कर ली, अगर बच्चे अच्छा करते हैं तो इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी हमारे, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेहनत की है इन्होंने और मेहनत का फल मिला है। आपकी एकेडमी की ट्रेनिंग के बारे में नहीं पूछा, उसमें भी आप बेस्ट स्टूडेंट रही हैं, आपको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। वही एकेडमी में भी जब मैं गई तो मैं अपने फादर के साथ ही गई थी, हम दोनों के लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स और उनका वो स्प्रेड, फूड स्प्रेड देख के ही हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या खाएं क्या छोड़ें इस तरह से, तो बहुत कॉन्शियस थे। वहाँ से वो चीज़ें डिस्कवर, आप नई चीज़ें सीखते हो, लोगों से मिलना, कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है, जो चीज़ें आप कभी लर्न नहीं कर पाए किसी भी स्टेज पे। आपके एकेडमी में बहुत सारे रिसोर्स पर्सन, बहुत ही हाई डिग्निटरीज आते हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आते हैं, उनसे किस तरह से बात, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी और सीखा कि आपको किसी को इंट्रोड्यूस करना है, किसी को रिसीव करना है। तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा मैंने गेन किया वहाँ पर 11 मंथ्स में। और ये बेस्ट प्रोबेशनर का तो कभी थॉट में ही नहीं था कि ये भी कुछ होगा। बट देन वही कि मैं जब गई तो एक दो महीना स्ट्रगल करने के बाद, मैं एडजस्ट होने के बाद, मैंने सोचा कि ठीक है इतना कुछ है लाइफ में, सबको इन्जॉय करना है, तो राइडिंग भी इन्जॉय करो, शूटिंग भी इन्जॉय करो, स्विमिंग भी इन्जॉय करो। तो आई थिंक एकेडमी पीरियड बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने और बहुत ज़्यादा ग्रो किया। बहुत बढ़िया। चलते चलते आप हमारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं और सारे व्यूअर्स जो आपको टेलीविजन पर देख रहे हैं, इनसे क्या कहना चाहेंगे? कोई भी आपका सपना है उसको मतलब ये सोच के, सिर्फ यही सोच के कि यार ये मेरे लेवल से ऊपर है, मुझे सोचना ही नहीं चाहिए, इस पे ख़त्म ना करें। ये जो हमारा मेंटल ब्लॉक है, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो शायद आप जो भी अचीव करना चाहेंगे आप डेफिनेटली करेंगे। और पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बच्चों का खुद का कॉन्फिडेंस
जितना आप उसको बढ़ा पाएँ वो आप कोशिश करें. जो भी आजकल की यंग जनरेशन बहुत स्मार्ट है, जो करना चाहे इन्हें करने की फ्रीडम देनी चाहिए. थैंक यू सो मच शाली, थैंक यू सो मच आप हमारे शो में आई. और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लड़के लड़कियां आपकी बातें सुनकर इंस्पायर होंगे. एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए. ओह वाओ, थैंक यू सो मच. गांव में और आजू बाजू के गांव में भी जाते थे हम.